मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप नाराज लोगों ने थाने पर पथराव किया। इस घटना में थाना प्रभारी अरविंद कुमार सहित दो पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। थाना प्रभारी की हालत गंभीर बताई जा रही है। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट मोड अपनाया है और कलेक्टर तथा SP स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि दोषियों की पहचान कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, छतरपुर जिले में पुलिस कर्मियों के घायल होने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना की सूचना मिली है। मैंने तुरंत उच्च अधिकारियों से घटना की जानकारी ली और घायल जवानों के उचित इलाज के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश शांति का प्रदेश है और किसी भी सुनियोजित तरीके से कानून को हाथ में लेने की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, मैंने पुलिस के उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया है कि दोषियों की जल्द पहचान कर कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। प्रदेश में शांति और सौहार्द बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। विवाद का कारण बताया जा रहा है कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। बुधवार शाम लगभग 5 बजे लोग शिकायती आवेदन लेकर थाने पहुंचे और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। प्रदर्शनकारियों में मुख्य लोगों के पास हथियार और पत्थर भी थे। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हवाई फायरिंग की और थाने के गेट बंद कर दिए। फिर भी प्रदर्शनकारियों ने मेन गेट का पथराव किया, जिससे थाना प्रभारी अरविंद कुमार, आरक्षक भूपेंद्र कुमार और SSP के गनमैन राजेंद्र चढ़ार घायल हो गए। थाना प्रभारी अरविंद कुज्जर को ICU में भर्ती कराया गया है और इनका इलाज जारी है। छतरपुर में एक विशेष समुदाय द्वारा आज कोतवाली थाने पर ज्ञापन देने के लिए आए थे। उस समय उन्हें समझाइश दी गई, लेकिन कुछ उपद्रवियों द्वारा उसमें पथराव किया गया, जिसे तत्काल ही पुलिस के द्वारा काबू में लिया गया। उसके बाद में पुलिस के द्वारा उसमें FIR की जा रही है और लगभग 150 से अधिक लोगों पर FIR की गई है और सभी लोगों को चिन्हित करके उनकी धरपकड़ भी जारी है और पूरे छतरपुर शहर में शांति व्यवस्था सामान्य है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है।